हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। मैं आप सभी का मेरे चैनल पर बहुत स्वागत करती हूँ। कल आप लोगों का बायोलॉजी का पेपर है, उसके लिए मैं कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लाई हूँ। अगर आपको और भी चाहिए होगा तो आप कमेंट जरूर करिएगा, मैं ट्राई करूँगी देने का। और दूसरा सब्जेक्ट जो भी पेपर होने वाला है उसका भी आप बोलोगे तो मैं दे दूँगी। आप मुझे ज़रूर कमेंट करिएगा और उसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल आइकन को भी क्लिक कर लीजिएगा ताकि नेक्स्ट वीडियो अपलोड जब होगी तब आपको पता चल जाए। तो आइए देखते हैं जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उसमें पहला क्या है, अनिशे फलन। इसको दोस्तों आप जैसे मैंने अभी एक वीडियो डाली है उसमें मैंने बताया कि आप हेडिंग ब्लैक पेन से या कोई और कलर से लिख सकते हो। तो यहाँ पे जो आप हेडिंग डाल रहे हो ना उसको आप ब्लू पेन की बजाय दूसरे पेन से लिख सकते हो। और आप पेन जरूर बॉल पेन ही यूज़ करना, जेल पेन से कई बार क्या होता है टीचर्स कुछ खाते पीते अगर चेक कर रहे हैं तो गिर जाता है तो वो स्याही मिट जाती है तो उससे आपका उत्तर ख़राब हो जाता है। तो इसलिए आप बॉल पेन का यूज़ करना और बॉल पेन से हैंड राइटिंग भी अच्छी बनती है। तो पहला देखते हैं अनिषेक फलन। इसमें क्या आप लिख सकते हो, परिपक्व अंडाशय से बिना निषेचन के फल निर्माण की क्रिया को अनिषेक फलन कहते हैं। दूसरा अनिषेक जनन, प्रजनन की वह विधि जिससे अंडा या मादा युग्म बिना निषेचन के भ्रूण तथा नए जीव में विकसित हो जाता है। उसके बाद बहुभ्रूणता, बीच में एक से अधिक भ्रूणों के उत्पन्न होने से को बहुभ्रूणता। बहुभ्रूणता दोस्तों आसान भी है, एक तो जो ट्विंस बच्चे होते हैं वैसे भी आप समझ सकते हैं, मतलब एक की जगह दो बच्चे हो रहे हैं, तीन बच्चे हो रहे हैं वैसे। फिर होता है बायोपायरेसी, इसमें क्या है, किसी एक देश या चिकित्सा उद्योग द्वारा किसी दूसरे देश को जैविक संसाधनों या स्रोतों के बिना जानकारी व आज्ञा के उपयोग में लाने को बायोपायरेसी कहते हैं। उसके बाद बहुप्रभावी जीन, ऐसे जीन जो एक से अधिक गुणों को प्रभावित करें समर्थ होते हैं करने में समर्थ होते हैं उन्हें बहुप्रभावी जीन कहते हैं। तो दोस्तों आशा करूँगी आपको ये इंपॉर्टेंट टॉपिक पसंद आए हो। अगर पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिए। और अगर दूसरे टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो वो भी मुझे ज़रूर बताएं। थैंक यू दोस्तों, ऑल द बेस्ट आप सभी को आपके पेपर के लिए। और बिना टेंशन जाके पेपर दीजिएगा और पेन पेंसिल तो ड्राइंग के लिए रख लीजिएगा, चित्र बहुत क्लियर बनाइएगा और नंबर डालना ना भूलिए, फिगर नंबर 1 फिगर नंबर 2। और प्रस्तावना रूपरेखा जरूर बनाइएगा, उससे नंबर अच्छे मिलते हैं। तो ये सब मेरी टिप्स भी है आपके साथ और मेरी विशेष भी हैं कि आप लोगों की बायोलॉजी के पेपर अच्छा जाए। तो चलिए दोस्तों, थैंक यू, हैव ए नाइस डे और ऑल द बेस्ट, और अच्छे से पढ़ लीजिए।